नमस्कार, मैं विद्या। अनुष्का's किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पकोड़े आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन लहसुन के पकोड़े, और वो भी इस अंदाज में, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चले बनाना हम शुरू करते हैं। लहसुन के पकोड़े के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, ढेर सारा धनिया पत्ता डंठल के साथ महीन काट लिया है, और 1/2 कप लहसुन है। छीला हुआ लहसुन की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1/2 चम्मच है अदरक कसा हुआ, और 2 हरी मिर्चें महीन कटी हुई है, 1 चम्मच अखा धनिया है, 1/2 चम्मच जीरा है, और 1/2 चम्मच गोल मिर्च काली मिरी है, 2 चम्मच है गीला नारियल क्रश कर लिया है मैंने। आ गए हम गैस की तरफ। धीमी आंच पर हम धनिया, जीरा और गोल मिर्च को भून लेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए, और फिर हमें इसे क्रश कर लेना है। ये भून चुके मैं इसे निकाल कर क्रश कर लेती हूँ, और इसी कढ़ाई में देंगे हम लहसुन। धीमी आंच पर हमें लहसुन को भी भून लेना है। हम इसे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। लहसुन भून चुका है, निकाल लेंगे अभी इसे, और ठंडा करके इसे भी हम मिक्सर के बर्तन में डालकर क्रश कर लेंगे। इस तरह से इसे मैंने क्रश कर लिया है, और गोल मिर्च, धनिया और जीरा को भी हम क्रश कर लेंगे, कूट लेंगे। अब आ गए हम बेसन की तरफ। बेसन में हम देंगे 2 चम्मच चावल का आटा, ये देना बहुत ज़रूरी है। अब देंगे अदरक और हरी मिर्च, और जो धनिया, जीरा और गोल मिर्च हमने कूट के ली थी वो दिया। धनिया पत्ता दे रही हूँ अभी, और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स है, इसे स्वाद बहुत अच्छा आता है। गीला नारियल देना है अभी हमें, 1/2 चम्मच आमचूर, ये स्वाद में बहुत गजब का आता है, और हींग दिया मैंने 1/4 चम्मच, और सबसे आखिर में हम देंगे लहसुन को जो हमने क्रश कर लिया था। स्वाद अनुसार नमक और हल्दी दे रही हूँ। पहले इसे हमें बिना पानी देते हुए एक बार मिला लेंगे। ये मिल चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए हम एक पकोड़ों का बैटर बना लेंगे। लगभग 1 मिनट तक हम इसे फेटेंगे। हमने इसमें कोई सोडा नहीं दिया, तो 1 मिनट तक फेटना ज़रूरी है। और पकोड़ों का बैटर बन चुका है। अब चलते हैं पकोड़े छानने के लिए गैस की तरफ। मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया था। तेल के गरम होते ही हम पकोड़े छानेंगे। हाथ को मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है, और छोटे छोटे आकार के हमें पकोड़े छानने हैं। आंच को मैंने फिलहाल तो मीडियम रखा है। कुछ देर हो चुकी है, पकोड़ों को हम पलटेंगे, और बहुत ही सुनहरे पकोड़े छन चुके हैं, पकोड़े ऊपर आ चुके हैं, ये तैयार हो चुके हैं। मैं अभी इसे निकाल लेती हूँ इन पकोड़ों को, और इसी तरह से सारे पकोड़े मैं छान लेती हूँ। ये आ गए गर्मा गर्म प्लेट में, और ये पकोड़े किसी भी हरी चटनी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में, तो आप इसे ज़रूर ज़रूर बनाएं। और फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।